हेलो फ्रेंड, एक इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आपको हम बताने वाले हैं डैंकिन का एसी में आप इन्वर्टर एसी हो चाहे नॉर्मल एसी हो, इसमें रिमोट से एरर कोड कैसे चेक कर सकते हैं। तो एरर कोड चेक करने के लिए आपको मोड वाला बटन जो है वो और टेम्परेचर का दोनों बटन को एक साथ प्रेस करना है। आप देख सकते हैं जीरो आ गया यहाँ पर। अब यहाँ जीरो सीरीज से है, यहाँ पर सीरीज एक एक चेंज करने का ऑप्शन है। यहाँ देखिए ए लाना है, सी लाना है, जो लाना है उसमें जैसे ए ला लिए। अब ए के बाद यहाँ पर नंबर चेंज करना है, जैसे 1 2 3, जैसे देख सकते हैं ए, यहाँ पर ए लाना है, बी लगाना है, सी लाना है, जो लाना है ई लाना चेक करना है, एक एक टू सीरीज चेक करना है। जैसे ए लाए, अब इसके बाद इधर का नंबर चेंज करना है, तो फिर से मोड बटन दबाएंगे, अब इधर का नंबर चेंज होने लगा। तो ऐसे हम चेक करते जाएंगे, एफ आया, ई आया, जे आया, सी आया, एच आया, ए 9 आया। ऐसे जिसमें इरर होगा उसमें जैसे एक बार टिक करेगा, और जिसमें इरर आएगा उसमें एक बार बीप, लंबा बीप करेगा, तो समझ लेना है उसमें इरर है, और उस हिसाब से इरर कोड आपको चेक कर लेना है कि कौन सा किसका है। जैसे A6 है तो A6 फैन का है, जिसमें इरर आएगा उसमें बीप लंबा करेगा, तो उस हिसाब से आप इरर कोड खोज सकते हैं। हम इसका इरर कोड पर एक वीडियो बनाए हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में हम इसका डाल देंगे लिंक उस वीडियो का। ऐसे ही इसका चेंज करते ना जाना है, लाइन से जितना हुआ इसमें चेक हो गया। अब उसके बाद फिर से इसका चेक करना है, ए के बाद जैसे -7 आ गया। अब इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, ये देख सकते हैं 7 माइनस है रिमोट में, तो इसको हटाने के लिए यहाँ पर ऑन ऑफ करना है, फिर मोड दबाना है, फिर इसको मोड बटन और टेम्परेचर बटन को, मोड बटन और टेम्परेचर बटन जो है एक साथ में प्रेस करना है। देख सकते हैं यहाँ पर आ गया, तो ए सीरीज का ख़त्म हो गया। अब ए के बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे, 0 आया, यहाँ पे यू आया। अब यू सीरीज में चेक करेंगे हम, तो इधर आप चेक करेंगे, इसको चेंज करेंगे यू के बाद। अब देखिए अब नंबर चेक करना है, एफ ई जे सी, ऐसे ही लाइन से एक एक तो चेक करना है। जिसमें भी इरर होगा उसमें लंबा बीप करेगा, और नहीं इरर आने से एक बार टिंक केवल पार होते जाएगा, और जिसमें इरर होगा उसमें लंबा बीप करेगा, टी लंबा देगा। तो आप समझ गए होंगे रिमोट चलाने का इसका इरर चेक करने का, एक ठोए वाला है, और आप इसको फिर से इसको हटाना है, तो फिर इसको ऐसे तीनों बटन को दबाइए, या तो इसका बैटरी निकाल करके लगा सकते हैं, सीधा क्लियर हो जाएगा। तो इसका बैटरी निकाल देते हैं, जैसे देख सकते हैं, अब इसको फिर लगा देंगे। अब इसका मोड आ गया, तो रिमोट चलाने का तो इसको समझ गए होंगे। डैंकिन का आप एरर कोड चेक करने का रिमोट से कैसे चेक करते हैं। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक एंड कमेंट करिएगा, जिससे आगे आने वाला वीडियो आपको मिल सके। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।